हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डोमिनार 250 के बारे में। गाइस बजाज की तरफ से डोमिनार 250 में काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम किया गया है। गाइस जनरली हम लोग सुनने को देखते हैं कि हर एक जो बाइक है उसमें प्राइस बढ़ाया गया है, बट बहुत दिनों के बाद बजाज की किसी बाइक में हमें देखने को मिल रहा है कि डोमिनार 250 में काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप किया गया है। बजाज की तरफ से काफ़ी अच्छा जो प्राइस है वो कम किया गया है। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइस जो है 1-2 हज़ार रुपये कम नहीं किया गया है। बाइक का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा कम किया गया कि आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई कोई कंपनी किसी बाइक में इतना ज़्यादा प्राइस कैसे ड्रॉप कर सकती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं डोमिनार 250 के न्यू प्राइस के बारे में, क्या प्राइस कम किया गया उसके बारे में बात करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बजाज डोमिनार 250 के बारे में। गाइस अगर बात करें बाइक के प्राइस ड्रॉप के बारे में तो इस बाइक में दोस्तों सीधे सीधे 16,500 रुपये के आसपास का जो प्राइस है वो कम किया गया है। जी हाँ, 16,500 रुपीज़ के आसपास का जो बाइक का जो प्राइस है उसको कम कर दिया गया। गाइस अगर दोस्तों बात करें बाइक के पहले एक्सोरूम प्राइस के बारे में तो पहले ये एक्सोरूम प्राइस लगभग गाइस 1,71,000 रुपीज़ के आसपास की एक्सोरूम प्राइस आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब ये बाइक एक्सोरूम प्राइस लगभग 1,54,000 रुपए के आसपास की ये बाइक अब आपको एक्सोरूम प्राइस आएगी। अगर दोस्तों बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो पहले दोस्तों ये ऑन रोड प्राइस लगभग 2 लाख रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस पहुंच चुकी थी, 2 लाख रुपए के आसपास की ये ऑन रोड प्राइस आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब बजाज की डोमिनार 250 अब आप लोगों को मिल जाएगी 1,85,000 रुपीज के आसपास, 1,85,000 रुपए के आसपास का इस बाइक को आप परचेस कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है। गाइस अगर बात करें डोमिनार के बारे में तो वैसे दोस्तों डोमिनार की जो सेलिंग है वो उतनी खास नहीं है, लोग उसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं एंड बाइक को उतना ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। वैसे तो दोस्तों बजाज को ये लगता था कि ये जो बाइक है मार्केट में काफ़ी धूम मचाएगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसका रीज़न बहुत सारा है, वो कभी और बात करेंगे, उसका कंप्लीट बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों जो डोमिनार है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण डोमिनार की जो सेलिंग है गाइस वो उतनी बेटर नहीं हो सकी। बजाज को इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अगर दोस्तों वो लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे तो शायद दोस्तों ये बाइक की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें प्राइस ड्रॉप के बारे में तो ऑब्वियसली बात है भाई मेरे हिसाब से बाइक में तगड़ा प्राइस ड्रॉप किया गया है। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई ब्रांड किसी बाइक में इतना प्राइस कैसे कम कर सकता है। मतलब यार 16,000 रुपये आप लोग समझते हो, 16,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी ओवरऑल दोस्तों ये जो प्राइस कम कर दिया गया तो कर दिया गया। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।